तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको वन वर्सेस वन फाइट को कैसे विन किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको टॉप 4 टिप्स देने वाला हूँ। इन 4 टिप्स की मदद से आप किसी भी एनिमी को वन वर्सेस वन फाइट में डिफीट कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टिप नंबर 1 है कि कंफ्यूज योर एनिमी। मतलब कि आपको इस तरीके से मूवमेंट करनी है कि आपका एनिमी कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि कस्टम रूम में हमें अनलिमिटेड ग्लू बॉल्स मिलते हैं। तो आपने भर भर के ग्लू बॉल का यूज करना है, पर ग्लू बॉल का यूज इस तरीके से करना है कि आपका एनिमी आपकी लोकेशन का अंदाजा तक ना लगा पाए। एग्जांपल के लिए आप इस क्लिप में देखो, तो यहाँ पे मैंने अपने एनिमी को सिर्फ 2 ग्लू बॉल लगा के ही कंफ्यूज कर दिया था। तो मेरे एनिमी ने 2 ग्लू बॉल फायर किए और मेरा एनिमी इस वाली ग्लू बॉल के पीछे। तो अभी देखना, मैं 1 ग्लू बॉल फायर करूंगा और उसके बाद मैं बाहर को भाग जाऊंगा और मेरा एनिमी सोचेगा कि मैं ग्लू बॉल के पीछे हूँ। तो अभी आप देखना, ये मैंने ग्लू बॉल फायर की, अभी मैं भाग गया बाहर को और मेरा एनिमी सोच रहा है कि मैं इस वाली ग्लू बॉल के पीछे और वो यहाँ को भाग रहा है। पर जैसे ही वो मेरी साइड को भागेगा, मैं इसे वन टैप हेडशॉट चिपका दूँ। पहले इसने सोचा था कि मैं ग्लू बॉल के पीछे हूँ, तो जैसे ही वो ग्लू बॉल के पीछे भागा, उसने देखा कि ये तो बाहर खड़ा है। और जैसे ही वो मेरी तरफ भागा, तब तक देर हो चुकी थी और मैंने इसे वन टैप हेडशॉट चिपका दिया। तो टिप नंबर 2 है हमारा नॉन स्टॉप मूवमेंट। एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप 1v1 कस्टम खेलोगे, तो सामने वाले एनिमी का पूरा ध्यान आपके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जब भी हम 3v3 या 4v4 कस्टम खेलते हैं तो हमें आसपास भी ध्यान रखना पड़ता है। पर जब भी हम 1v1 कस्टम खेलते हैं तो सामने वाले का पूरा कंसंट्रेशन हमारे ऊपर ही रहता है। तो अगर आप 1v1 फाइट में एक ही जगह पे खड़े रहोगे या फिर एक ग्लू वॉल का कवर लेके बैरिकेड यूज करोगे, तो सामने वाले को पूरा एडवांटेज मिलेगा कि इस टाइम पे वो आपको वन टैप हेडशॉट या ड्रैग हेडशॉट बड़े ही आराम से लगा सकते। तो आपने ऑलवेज मूवमेंट करते रहना है, एक ही जगह पे खड़े नहीं रहना है। अगर आप एक ही जगह पे ग्लू वॉल का कवर लेके खड़े और आपके एनिमी को आपकी लोकेशन का पता चल गया, तो वो नूबो करके आपको इजीली वन टैप हेडशॉट चिपका दे। क्योंकि इसके बारे में तो आपको भी पता ही होगा, जब भी कोई एनिमी हमारे सामने नूबो करता है तो हमसे रहा नहीं जाता और हम कवर से बाहर निकल के जैसे उसके ऊपर फायर करते हैं, वो हमें वन टैप हेडशॉट चिपका दे। तो इसीलिए आपने ऑलवेज मूवमेंट करते रहना है, जिससे कि आपके एनिमी को नूबो करने की नौबत ही ना आए। टिप नंबर 3 है हमारा डिफेंस। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना डिफेंस कैसे करना है। डिफेंस का हिंदी मीनिंग होता है रक्षा, या फिर हम बचाव भी बोल सकते। तो हमें डिफेंस तभी करना पड़ेगा जब हमें डैमेज पड़ेगा। तो अपनी रक्षा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हीलिंग, मतलब कि जो हमें डैमेज पड़ा है उसकी रिकवरी करना। तो डैमेज की रिकवरी होगी मेडिकेट का यूज करके। तो आपके पास पहला ऑप्शन है 360 ग्लू वॉल में खुद को पैक करके खुद को पूरे तरीके से हील करें और उसके बाद दोबारा से फिर से फाइट करें। पर जो सेकंड तरीका है वो मेरा फेवरेट है। दूसरे तरीके का एग्जांपल आप इस क्लिप में देखो। तो इस क्लिप में मुझे मेरे एनिमी ने पहले से डैमेज किया होता है और मैंने एक मेडिकेट लगा के खुद को हील कर लिया होता है, पर इतना मुझे डैमेज दिया था कि एक मेडिकेट से वो रिकवर होने वाला नहीं था। पर मेरी HP फुल हो गई थी स्काइलर के साथ, पर मैंने उसे भी ऐसे फेस करवाया कि मेरी HP अभी भी कम है और मैं पीछे को भाग रहा हूँ, मैं बैक रन कर रहा हूँ उससे बचने के लिए। तो वो मेरी तरफ भागता हुआ आया और मैंने मोको की एबिलिटी रखी थी, तो उससे मुझे पता चल गया कि वो एनिमी मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है और मैंने ग्लू बॉल छोड़ी और सीधा उसको दे मारा। तो टिप नंबर 4 है हमारा बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा, मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने स्कैलर की वजह से अपनी HP रिकवर की और मोको की वजह से कैसे मुझे पता चला कि वो एनिमी मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है। तो अगर आप भी अपने एनिमी के साथ ऐसा सीन करना चाहते हो तो आपने इस करैक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करना है। इस कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्किल वाला करैक्टर है हमारा स्काइलर। स्काइलर हमारी HP रिकवर करेगा और इसके बाद है मोको। मोको से हमें एनिमी की लोकेशन का पता चलेगा। इसके बाद मैंने ऐड की है कैली। कैली से हमारी दौड़ने की स्पीड इंक्रीज होगी और फिर मैंने ऐड किया है मैक्सिम। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो बाय बाय गाइज, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।